नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर नेमावर रोड पर स्थित है। और ये देवगुराड़ी पहाड़ियों के बीच प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि गरुड़ जी ने भगवान शिव की यहाँ पूजा अर्चना की थी, इसलिए इस जगह का नाम देवगुराड़ी अभी रखा गया है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। Thank you.
शिव मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे दर्शन भी हो चुके हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे गरुड़ जी ने शिव जी की पूजा अर्चना भी की थी, तो इसलिए इस जगह का नाम देवबुराड़िया शिव मंदिर भी है, स्थान का नाम है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में माता अहिल्याबाई द्वारा किया गया है और मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, कितना प्यारा मंदिर है। और आप जरूर यहाँ आइए और दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मंदिर की महिमा के बारे में हमें हमारे पंडित जी बताएंगे। ये गरुड़ के थे, यहाँ गरुड़ भगवान ने तपस्या करी थी जब स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए थे, वो शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, तब से इसको गरुड़ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। रामायण में इसका उल्लेख है और यहाँ पे कभी पानी खत्म नहीं होता है, पानी 12 महीने भरा रहता है, पहाड़ों में से आता है प्रकृति। और शिव जी के ऊपर गौमुख है, गौमुख में से शिव जी का अभिषेक होता है श्रावण भादव में, जब 30-35 इंच बारिश हो जाती है। मंदिर बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं के समय, हम गोस्वामी परिवार की 16 पीढ़ी हो गई है पूजा करते करते। तो यहाँ मंदिर मेला शिवरात्रि पे मेला लगता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, और श्रावण में भी अच्छा रस रहता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। धन्यवाद पंडित जी। शिव दर्शन कैसे लगे? अगर आपको शिव दर्शन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।